प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से मिल जाएगा। उनका एक घंटे का समय मुझे मिला जिसमें हमारी अनौपचारिक वार्ता और एकल अभियान की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनके संबंध में उनसे चर्चा हुई। जो समय उन्होंने मुझे मिलने के लिए दिया था उस समय से पहले ही प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित थे। मुझे उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही हम उनके दरवाजे पर पहुंचे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर हमारा अभिवादन किया। When Savita Gupta went to meet Prime Minister Narendra Modi, she took many things with her, some of which were books and some were gifts for the Prime Minister. Savita Gupta said that earlier the PMO officials didn't allow her to take the gifts along with her, but later Savita convinced them. Pradhan Mantri ji se milne ka samay mujhe lag nahi raha tha ki itni aasani se mil jayega. Swayam Pradhan Mantri ji ke awaaz se hi mujhe phone aaya, unhone hi mujhe phone kiya aur unhone mujhe bulaya. Tab main unse unke janm divas ke baad bhet karne gayi. उनका एक घंटे का समय मुझे मिला जिसमें हमारी अनौपचारिक वार्ता और एकल अभियान की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनके संबंध में उनसे चर्चा हुई। जब मैं उनके आवास पर पहुंची, जो समय उन्होंने मुझे मिलने के लिए दिया था उस समय से पहले ही प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित थे। मुझे उनसे मिलने के लिए उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज़ बड़ी बात ये थी कि जैसे ही हम उनके दरवाजे पर पहुँचे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर के हमारा अभिवादन किया। मैंने उनका हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं, तो एक आत्मीयता का भाव उनका जवाब था कि एकदम बिल्कुल वैसा हूँ जैसा आप लोगों ने पहले देखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उनसे बहुत पुराने परिचित हैं और हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो एक परिवार की जो परिवार के नाते जो बातचीत होनी चाहिए वही भाव था, उसी प्रकार से उन्होंने मुझसे बात की। Savita's journey of 20 years was not easy. She faced many problems, but she continued to follow the path shown by her father. She first became a teacher at the age of 10, and then gradually, today she has made herself so capable that she has become the training head of the health department. सबसे बड़ा challenging वाला काम तो ये होता है कि महिला के रूप में जब कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है घर से और वो भी केवल 10 साल की आयु में, तो उसके सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं कि हम अपना घर छोड़ करके अपना क्षेत्र छोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो जहां हमें पहुंचना है जितने बजे पहुंचना है उस समय कभी ट्रेन लेट हुई कभी बस लेट हुई और जिस समय हमें पहुँचना था हम उस निर्धारित समय पर नहीं पहुँचे। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें जहाँ रुकना था वो लोग हमें वहाँ नहीं मिले, तो रात्रि में जो रुकने की समस्या महिलाओं के बीच में आती हैं कि दिन भर तो व्यक्ति कहीं भी अपना समय व्यतीत करता है लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो महिलाओं के सामने उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी चिंता आती है कि बहनें अपने आप को अकेले कैसे सुरक्षित कर सकें। तो ऐसी भी चुनौतियाँ मेरे साथ आईं। बहुत बार मुझे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल में रहना पड़ा, कई बार मुझे बस स्टैंड पर भी रहना पड़ा। Savita says that during the COVID period, she tirelessly worked with Ekal Arogya, providing medicines to people, telling them ways to prevent themselves from diseases, getting relief through Ayurvedic and traditional methods, and even distributing lakhs of masks. सबसे पहले तो हमारी आरोग्य योजना में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हम आरोग्य योजना में सबसे पहला प्रयास ये करते हैं कि हमें रोग हो ही ना, हम उसके लिए कौन कौन से उपाय करें। जैसे बासी भोजन नहीं करने का आग्रह करना, खाने पीने चीज़ों को खुला नहीं छोड़ना, सुबह अपने शरीर से इतना काम लेना कि अपना आपका शरीर एक बार पसीना छोड़े। दूसरा, हमारे घर में जो औषधि है, जो हमारे घर में एक औषधालय है जिसको हम रसोई घर के नाम से जानते हैं, उसमें छोटे छोटे मसाले किस प्रकार से हम दवाइयों के रूप में काम कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए काम करते हुए किसी भी व्यक्ति को घर में चोट लग जाए, हाथ कट जाए, तो हमें तुरंत हल्दी पाउडर का उपयोग कैसे करना। दूसरा, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, पेट दर्द हो जाए, तो हम अजवाइन के माध्यम से अजवाइन को गर्म करके उसके पानी का उपयोग उनको बता सकते हैं। Apart from this, even today, Savita is making people aware by roaming from villages to villages and telling them how they can save themselves from many small diseases with the help of products
and spices available in the comfort of their homes.